Hello guys, welcome to Love with Physics, and today we will discuss about Coulomb's law. Basically, first question arises in our mind that what is Coulomb's law? We can say that Coulomb's law is the property of charge which can be repulsive or attractive. Now here we have two charges, Q1 and Q2. Q1 exert F force on Q2, meanwhile Q2 exert F force on Q1. आप देख सकते हैं कि Q1 ने F फोर्स लगाया Q2 पर और उसी की अपोजिट में Q2 ने F फोर्स लगाया Q1 के ऊपर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फोर्स रिपल्सिव है, क्योंकि ये फोर्स रिपल्सिव है इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं या तो दोनों ही नेगेटिव हैं। अब जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास Q1 एंड -Q2 चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट इस वाले केस में ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है आर, तो अब हम देख सकते हैं कि जो इनके बीच का फोर्स होता है वो कितना होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इनका फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि कूलम्स लॉ में और क्या क्या होता है। नाउ वी हैव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमको किसी भी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी हटानी होती है तो हम उसमें किसी न किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे है के। तो हम देख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमको किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम Q2 और Q1 को विदाउट साइन रख सकते हैं। अब जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तो हम इसको कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का मतलब हम इसको वैक्यूम में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको एयर में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको ऑयल में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको जुपिटर में भी, मतलब वट एवर, हम जहाँ कहीं भी जाए एवरीवेयर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, सैटर्न मार्स जुपिटर सन किसी भी। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको दो दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि होती है एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी। जो ये के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब अगर हम इस फोर्स को वैक्यूम में देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब हमने इसको वैक्यूम के लिए डिफाइन कर लिया। अब हम इसको जर्नल एक हम इसका एक जर्नल फॉर्मूला निकालते हैं कि हम उस फॉर्मूले को निकालने के बाद इसको हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो कि होती है ER इज इक्वल टू EM अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है EM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ER। तो एक हमारे पास ये जर्नल एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो ER होता है वो एयर के लिए 1 होता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि वैक्यूम के इक्वल होता है। अब हमने देख लिया कि हम इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दिया, अब हम देखते हैं इनके हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2। डायरेक्शन के लिए हमको थोड़ा वेक्टर पता होना चाहिए, उसके लिए देखिए जो कि फोर्स F12 वेक्टर का मतलब होता है फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, जो कि इक्वल टू होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उसके पीछे हम इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने में काम आता है। यहाँ पे F12 का यूनिट वेक्टर है R12, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं R12 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ वन चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे नीचे,
हम इसे ले सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का क्यूब इंटू आर वन टू वैक्टर। सेम विद सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, हम लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू आर टू वन का होल क्यूब ब्रैकेट आर टू वन वैक्टर। यहाँ पे दोनों के पोजिशन वैक्टर अलग हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आर वन टू, यहाँ पे टू वन है, इसका मतलब है पोजिशन वेक्टर ऑफ वन ड्यू टू सेकंड, इसका मतलब है पोजिशन वेक्टर ऑफ टू ड्यू टू वन। ठीक है, तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। इस वाले फॉर्मूले से जो भी मैंने आपको बताया, इससे हम दो चार्जेस के बीच में उनका फोर्स के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी क्या नहीं होगी। इस वाले फॉर्मूले में हमको क्यू वन क्यू टू चार्जेस के साथ रखने पड़ेंगे, उसी से हमारी डायरेक्शन आ पाएगी।